नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। बिहार पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं, रत्नसेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर लगभग प्रतिदिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एक बार फिर से एक नया अपडेट हमारे सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर बूथों के पुनर्गठन की तैयारी को लेकर एक नया अपडेट जो है अभी हमारे सामने है। इसमें बताया गया है कि बूथों के पुनर्गठन की जो है अंतिम प्रक्रिया जो है कमोबेश पूरी कर ली गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में अब एक मतदान बूथ पर 800 से ज़्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रति बूथ 100 मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी की है। 2016 पंचायत चुनाव के दौरान 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया था। पिछले पंचायत चुनाव में राज्य भर में 1,19,000 बूथों का गठन किया गया था। अब 2 मार्च को बूथों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में बूथों की पूरी संख्या के बारे में पता चल जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर 20 जनवरी से ही बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आयोग ने सभी जिलों को भेजे मतदान केंद्रों के गठन कार्यक्रम के अनुसार सभी जिलों को 20 जनवरी से 27 जनवरी को बूथों का सत्यापन कार्य किया जाना था। बूथों के सत्यापन कार्य के बाद 28 जनवरी के बाद से 11 फरवरी तक प्रारूप का प्रकाशन और दावा आपत्तियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के आवेदन प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की थी। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 जनवरी से 13 फरवरी तक आपत्तियों के निष्पादन की तिथि निर्धारित की गई थी। आयोग ने सभी जिलों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी तक मतदान केंद्रों की सूची पर अनुमोदन लेने का निर्देश दिया था। अब आयोग 17 फरवरी से 24 फरवरी तक अनुमति देगा। मतदान केंद्रों की सूची 25 फरवरी से 1 मार्च तक तैयार कराई जाएगी और सभी केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 2 मार्च को किया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पहली बार पोस्टल बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम का इस्तेमाल को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए जरूरी ईवीएम की खरीद होनी अभी बाकी है। पंचायत चुनाव में खास किस्म की ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना है, जिसके जरिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए एक साथ वोट डाले जा सकेंगे। पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद टेंडर प्रक्रिया भी जारी होगी। इसे मल्टी पोस्ट ईवीएम कहा जाता है। इसके जरिए एक ही मशीन से पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए मत दर्ज हो सकेंगे। इसमें मतदान में लगने वाले समय काफी कम हो जाएगा, साथ ही मतगणना भी बिल्कुल आसान हो जाएगी। मतगणना में कई घंटे का काम ईवीएम के इस्तेमाल के कारण मिनटों में हो जाएगा। पुरानी प्रक्रिया में पंचायत चुनाव के हर बूथ पर 6-6 बैलेट पेपर रखने पड़ते थे। हर पद के मतदान के लिए एक अलग रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रक्रिया में वक्त काफी समय लगता था। इसे देखते हुए सरकार ने इस बार ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव कराने का निश्चय किया है। पंचायत चुनाव को लेकर गांव का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। चौक चौराहों से लेकर चाय की दुकानों तक राजनीति की बात शुरू हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब गांव का चुनाव पूरी तरह से चुनावमय हो गया है। उम्मीदवार अपने वादों के साथ मतदाता के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर और भी ऐसे ही नए अपडेट के साथ हम एक बार फिर आपसे हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।